तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। दरअसल जो घर हम आपको दिखा रहे हैं इस पर बुलडोजर चढ़ा है, गेट को ध्वस्त किया गया है। ये अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी जफर अहमद, दरअसल अतीक अहमद के परिवार ने यहीं पर पनाह ली थी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यहीं पर रहा करती थी और मेरे सहयोगी विकास आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। बाबा का बुलडोजर चला है और बुलडोजर हर उस माफिया, हर उस अपराधी के घर पर चलेगा जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड 44 सेकंड में होता है, फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और आज छठा दिन है इस हत्याकांड का। लेकिन मैसेज देने की कोशिश की है कि जितने भी शूटर फरार हैं वो सरेंडर कर दें या पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, नहीं तो उनके घरों को इसी तरीके से गिराया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्वस्त किया जाएगा और बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। यूपी में इससे पहले भी हमने देखा है कि अतीक अहमद की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया, इससे पहले भी बुलडोजर की कार्यवाही हुई थी। और ये आप तस्वीर देखिए क्योंकि ये गली है, ये खूबसूरत आलिशान मकान जो कि ध्वस्त हो रहा है, बुलडोजर गेट पर चल चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें क्योंकि 13 शूटर थे जो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देते हैं, अतीक अहमद जो कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है वो डरा हुआ है, उसके परिवार पर भी शिकायत है, जेल में भी साजिश रची जाती है। अतीक अहमद का बेहद करीबी, अतीक अहमद करीबी तक प्रशासन है, पुलिस पहुंच रही है, तमाम राज बेपर्दा हो रहे हैं कि जो लोग यहां पर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या अपडेट आपके पास है क्योंकि ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है? जी हाँ बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से ये मकान धराशायी किया जाएगा अभी, क्योंकि फिलहाल अभी तक गेट इसका तोड़ा गया है, जो जेसीबी है उसको चलने में काफी यहाँ पर दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जो गली है वो काफी सक्रिय है। 2021 में ये मकान लिया गया था जसप्रीत, 2021 में, और ये जफर अहमद के नाम से अतीक अहमद ने लिया था। जफर अहमद कहाँ का रहने वाला? बांदा का रहने वाला बताया ये जा रहा है कि काफी ज्यादा करीबी था ये अतीक अहमद का। और जब प्रशासन ने अतीक अहमद का जो पैतृक निवास था जिसमें उनका पूरा परिवार रहा करता था उस बिल्डिंग को जब धराशायी कर दिया तो अतीक अहमद के परिवार को रहने का कोई जगह नहीं था। तब बताया जा रहा है कि सूत्र बताते हैं कि अतीक अहमद ने जफर अहमद के नाम पर इस बिल्डिंग को खरीदा, कुल इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ बताई जा रही है। उसके बाद साइस्ता परवीन अपने पूरे परिवार के साथ इसी मकान में, इस आलिशान मकान में रहा करती थी। और उसके बाद अब जब ये उमेश पाल हत्याकांड सामने आया, उसके बाद जब पुलिस ने एक बार फिर से, पुलिस की कई टीमें, अगर हम बात करें तो प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें, यूपीएसटीएफ की 5 टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग, ये संदिग्ध बिल्डिंग निकलकर सामने आया और उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर इस बिल्डिंग पर पहुंचा। प्रशासन आज 2 बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंचा, लेकिन यहां पर ये जो बिल्डिंग का जो सामने का जो रास्ता है काफी सकरा है, इस वजह से 2 जेसीबी मशीन यहां पर नहीं आ पाई है। और यहां पर देखिए तस्वीरें, हम तस्वीरें आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, जेसीबी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन आज पूरे दिन जेसीबी मशीन धराशायी यहां पर इस बिल्डिंग को धराशायी करेंगे। इसके बाद भी जसप्रीत, अगर हम आपको बताएं तो कई बिल्डिंग जो है वो प्रशासन की नजर में है, उस पर भी कार्रवाई होगी। अमित, जानकारी देने, देखिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अतीक अहमद का बेहद करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला है। वो तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास आपको दिखाएंगे। विकास, तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि मीडिया का जमावड़ा तो है, आरएएफ के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी है, गेट को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड होता है शुक्रवार को, यह हत्याकांड होता है, आज छठा दिन है, उसके बाद किस तरीके से शिकंजा पुलिस की तरफ से कसा गया है, प्रशासन की तरफ से कसा गया है, एसटीएफ की तरफ से कसा गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, एक अपराधी जिसका एनकाउंटर हुआ अरबाज, उसके बाद अपराधी किस तरीके से डरे हुए हैं। और ये जो घर को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, अतीक अहमद का बेहद करीबी, अतीक अहमद का राजदार, उसका वफादार, उसके घर पर ये बुलडोजर चला है जो कि कार्यवाही आगे बढ़ती हुई, ये बुलडोजर को आप देख रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि जो बाकी शूटर्स थे जिन्होंने रेकी की थी, जिन्होंने अतीक अहमद की मदद की थी, उसके भाई जो कि अशरफ बरेली जेल में बंद है, किस तरीके से तार प्रयागराज से होते हुए बरेली तक पहुंचे, ये बुलडोजर की कार्रवाई, ये बुलडोजर जो कि यूपी में न्याय का प्रतीक माना जा रहा है, इसकी कार्रवाई उन अपराधियों को मैसेज देने की भी है, उन माफियाओं को मैसेज देने की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था
कहा कि वो ऐसे माफियाओं को जो घरों को ध्वस्त किया जा रहा है उसके जरिए यूपी के विकास में मदद की जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास आपको दिखाते हुए, मेरे सहयोगी अमित सिंह भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक ये जानकारी मिली है, जैसे कि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक ठिकाना नहीं है, ये सिर्फ जफर अहमद का घर नहीं है जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, जहां पर बुलडोजर पहुंचा है, बल्कि हर उस अपराधी तक पहुंचेगा जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी चिन्हित किया गया है।